हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स। मैं फ्रेंड्स असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए एक वैकेंसी आई है, मैं इस वीडियो में उसी के बारे में अपडेट देने वाला हूँ। सो यस फ्रेशर्स इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है, विदाउट गेट है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 339 है, जिसमें आप लोगों को पैकेज 13 लाख पर नाम मिल जाएगी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्योर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्योर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो फ्रेंड्स ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो आप लोग देख पा रहे हो कि तेलंगाना स्टेट पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकल कर आ रही है। नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोग को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो यार, ताकि हमें ही मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट कर दे डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक परमानेंट जॉब है, किसी भी कॉन्ट्रैक्चुअल या तो टेम्पोरारी जॉब नहीं है। और ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का डिटेल्स जो आप लोग देख पा रहे हो। पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन की बात करें तो फ्रेंड्स यहीं पे असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 7 अक्टूबर 2023 से, और इसमें आप लोग 29 अक्टूबर 2023 तक अप्लाई कर पाओगे। इसमें आप लोग का जो एग्जाम होगा वो 3 दिसंबर 2023 पे होगा। वैकेंसीज की बात करें तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए लिमिटेड रिक्रूटमेंट के लिए 42 और जनरल रिक्रूटमेंट के लिए 145 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। मैकेनिकल वालों के लिए लिमिटेड रिक्रूटमेंट के लिए 3 और जनरल रिक्रूटमेंट के लिए 74 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जनरल रिक्रूटमेंट के लिए 25 और सिविल वालों के लिए लिमिटेड रिक्रूटमेंट के लिए 49 और जनरल रिक्रूटमेंट के लिए 1 वैकेंसीज है। टोटल कुल मिला के 339 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। क्वालिफिकेशंस की बात करें सो फर्स्ट असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिसिप्लिन में से 4 साल का बीटेक किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से 4 साल का बीटेक किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड पावर और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में से 4 साल का बीटेक किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग में से 4 साल का बीटेक किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट जनरल कैंडिडेट्स के लिए 18 ईयर्स से लेके 44 ईयर्स तक रहा गया है। एज रिलैक्सेशन आप लोगों को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स मिल जाएगी। हर एक कैंडिडेट्स के लिए आप लोगों को एप्लीकेशन फ़ी 400 रुपीज़ पेमेंट करना होगा। उसके साथ साथ जनरल कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपीज़ एग्जामिनेशन फ़ी पेमेंट करना होगा। और एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए किसी भी एग्जामिनेशन फ़ी आप लोगों को पेमेंट नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों को 400 रुपीज़ पेमेंट करना होगा। एप्लीकेशन फ़ी और एग्जामिनेशन फ़ी आप लोगों को ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोगों को इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी वेबसाइट विजिट करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा। इसका एडिट विंडो ओपन होगा 1 नवंबर 2023 से लेके 2 नवंबर 2023 तक। उसके अलावा अगर आप लोगों का किसी भी डाउट्स या तो क्वेश्चंस है तो आप लोग इसी फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोगों का डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस में आपके क्वालिफिकेशंस के ऊपर डिपेंड करके आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आप लोग को रिटेन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप लोग रिटेन टेस्ट में क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और अगर आप लोग डीवी में क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन यहीं पर हो जाएगी। इसमें किसी भी इंटरव्यू वगैरह नहीं रहा गया है। एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की बात करें तो फ्रेंड्स यहीं पे आप लोगों का जो टोटल एग्ज़ाम होगा उसमें टोटल 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। टोटल पेपर को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सेक्शन में आप लोग जो भी डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करोगे उसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन में से 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी, 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। सेकेंड सेक्शन में इंग्लिश जनरल अवेयरनेस, एनालिटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी और उसके साथ तेलंगाना हिस्ट्री कल्चर और पोस्ट डेवलपमेंट ऑफ तेलंगाना स्टेट में से क्वेश्चंस रहेगी। उसके साथ साथ कंप्यूटर यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में से बेसिक क्वेश्चंस रहेगी। टोटल एग्जामिनेशन के लिए 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन रखा गया है। एग्जाम का जो सिलेबस है वो इस नोटिफिकेशन के लास्ट में मेंशन है, तो आप लोग आपके हिसाब से चेक कर सकते हो। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि हर एक डिसिप्लिन के लिए एग्जाम का जो सिलेबस है वो यहीं पर मेंशन है।
नॉन टेक्निकल टेक्निकल दोनों का ही सिलेबस यहीं पे मेंशन है, तो आप लोग आपके हिसाब से चेक कर लेना। इसमें आप लोगों का जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन यानी कि OMR बेस्ड होगा, हर एक क्वेश्चन MCQ टाइप रहेगी और एग्जाम के लिए एग्जामिनेशन सेंटर हैदराबाद और सिकंदराबाद पे रहेगी। एग्जाम के लिए डेट रहा गया है 3 दिसंबर 2023। सैलरी की बात करें तो फ्रेंड्स यहीं पे आप लोग का पे स्केल 65,600 से लेके 1,31,200 रहेगी, जिसमें बेसिक पे 65,600 और उसके साथ साथ आप लोग को अलाउंसेस वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा और अलाउंसेस ऐड करने के बाद आप लोग को ग्रॉस सैलरी 1,08,304 यानी कि CTC 13 लैक्स पर एनम मिल जाएगी। सिलेक्शन होने के बाद इनिशियली 2 ईयर्स के लिए आप लोग को प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा, जिसमें फर्स्ट 1 ईयर का ट्रेनिंग होगा और उसके बाद नेक्स्ट 1 ईयर आप लोग को प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा और 2 साल प्रोबेशन पीरियड एंड ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आप लोग को परमानेंट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स यही है इसका कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन। आई होप आप लोगों को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स या तो क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक और इसमें अप्लाई करने का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जरूर के साथ। अब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।